पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, समय समय पर अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। यह सच्ची कहानी झारखंड के रांची में रहने वाले सिद्धेश्वर प्रसाद की है। सन 2019 में उनके साथ घटना उस समय घटी जब वे पटंडा ब्लॉक के देहात बोडामा में को ऑपरेटिव एक्सटेंशन अफसर थे। वे टाटा नगर से रोज आना जाना करते थे। उस दिन शाम 4 बजे बोडामा से अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से टाटा जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ी थी, सड़क काफ़ी टूटी हुई थी। उस सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा था। वे किसी तरह से रोड क्रॉस कर रहा था, फिर भी करीब आधा फ्लॉग रह गया था जिसे वे पार नहीं कर सके। तभी उन्होंने देखा कि दूर से सामने साइड से एक जीप भी आ रही है। उसे भी वही अड़चन थी, रास्ता क्रॉस करने में वे लोग भी थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उसे अपनी जीप वापस मोड़ ली। वे सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। जाना तो था ही, साहस नहीं हो रहा था कि आगे रास्ता मिल पाएगा या नहीं और वे घर कैसे पहुंचे। अतः उन्होंने मन में ही गुरुदेव को याद करते हुए अपनी बाइक खेतों के रास्ते की ओर बढ़ा दी। वे खेतों के मेढ़ों के ऊपर चल रहे थे। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी, उनका दिमाग कुछ सोचने के करने की स्थिति में नहीं था। उसी हड़बड़ाहट की स्थिति में उनका दिमाग से कंट्रोल हट गया। गियर लगाना चाहिए था पर गलती से न्यूट्रल लग गया। नीचे गहरी खाई थी और वे सीधे खाई में गिर गए। इसके बाद उनके ऊपर मोटरसाइकिल भी गिर गई। उस समय वहां पर कोई नहीं था। उन्हें तो लगा कि आज उनका अंत निश्चित है। जब व्यक्ति चारों तरफ से हताश एवं निराश होता है, इस समय वह केवल भगवान को ही याद करता है। उन्होंने मन ही मन अपने आराध्य गुरुदेव से प्रार्थना किया। इतने में उनका ध्यान टूटा, जीप की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। जीप में बैठे सारे लोग बाहर निकल आए और उन्होंने सिद्धेश्वर जी को देखा। वे खाई में उतरे। वे चार लोग थे। चारों ने मिलकर पहले मोटरसाइकिल उठाई और किनारे कर दी, फिर उन्हें सहारा देकर उठाकर ऊपर ले आए। सिद्धेश्वर जी अपने आप उठ गए। उन्होंने देखा कि उन्हें चोट अधिक नहीं आई है, वे ठीक थे। जिसके बाद उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया। उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी आपकी तरह रास्ता ढूंढते इधर आए हैं, चलिए आपको घर तक छोड़ देते हैं। सिद्धेश्वर जी ने माना कि गुरुदेव ने ही इन लोगों को भेजा है, नहीं तो आजकल सहायता मांगने पर लोग अनसुना करके चले जाते हैं। ये लोग बिना कहे सुने इस वीरान सुनसान स्थान पर उनकी रक्षा करने के लिए आ पहुँचे। सिद्धेश्वर जी ने कहा मैं खुद चला जाऊँगा। तब उन लोगों ने कहा पहले गाड़ी आप स्टार्ट करके तो देखिए। उन्हें भी लगा शायद ये लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन लोगों ने फिर कहा कि भाई साहब आपको चोट लगी होगी, जीप में चलिए। सिद्धेश्वर जी ने धन्यवाद करते हुए स्वयं चले जाने की बात कही। उसके बावजूद उन लोगों ने कहा अच्छा आप बाइक से चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं। इस प्रकार उन लोगों ने सिद्धेश्वर जी को समीप के एक गाँव बहादुरडीह तक पहुँचाया। जब उन्होंने देखा कि वे ठीक तरीके से जा रहे हैं तब वे अपनी दिशा में वापस लौट गए। अनजान व्यक्तियों ने परिवार से अधिक आत्मीयता दिखाई एवं खाई से निकालकर एक गांव तक सकुशल पहुंचाया। आज के समय में यह शायद ही संभव नहीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि गुरुदेव ने दूत भेजकर उनके जीवन को संकट से मुक्त कराया। अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो मेरे जीवन की रक्षा न हो पाती, यह सोचकर आज भी वे रोमांचित हो उठते हैं और पूज्य गुरुदेव का कार्य हंसते हुए करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घटी हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय गुरुदेव।